हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं कि किशमिश खाने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और इसके खाने का सही तरीका क्या है और इससे होने वाले कुछ संभावित नुकसान भी हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। किशमिश खाने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? किशमिश पोषक तत्वों से भरपूर होता है, यानी किशमिश में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे आवश्यक खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो ये ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें शर्करा और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो ये पाचन तंत्र में भी सुधार लाता है, क्योंकि किशमिश में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को सुचारू बनाते हैं और कब्ज जैसी बीमारी से राहत दिलाते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें चौथे नंबर पे, इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं या बचाव करते हैं और हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें पांचवे नंबर पे, तो ये हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि किशमिश में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण पाए जाते हैं जो दिल के स्वास्थ्य को बेहतर, साथ ही साथ रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें कि इसके खाने का सही तरीका क्या है या सटीक तरीका क्या है, क्योंकि कुछ लोग इसको बहुत अधिक मात्रा में खा लेते हैं या उनको खाने का सही तरीका नहीं पता रहता है, जिससे कुछ हेल्थ इश्यूज भी आने लगते हैं। यदि हम बात करें कि सही खाने का तरीका क्या है, तो इसको संतुलित मात्रा में खाना चाहिए, अर्थात एक बार में अधिक किशमिश खाने के बजाय दिन भर में एक से दो मुट्ठी ही किशमिश खाएँ। साथ ही साथ इसको भिगोकर ही खाना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि किशमिश को हम रात भर अगर पानी में भिगोकर रखते हैं और सुबह खाते हैं तो इससे पाचन तंत्र में भी सुधार होता है। तीसरे नंबर पे, हम इसको स्नैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अर्थात किशमिश को स्नैक या सलाद में डालकर भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका मिठास अच्छा होता है और एक कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि इससे होने वाले संभावित नुकसान के बारे में, तो इसके अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारे शरीर में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मोटापा का शिकार भी हम हो सकते हैं। बात करें दूसरे नंबर पे कि अगर हम इसका अधिक सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का शुगर लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक रूप से शर्करा की मात्रा पाई जाती है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट को इसका सेवन नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है तो ध्यान रखें कि इसको कम से कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम बात करें कि इससे पेट से संबंधित कौन सी समस्या होती है, तो दोस्तों, यदि हम किशमिश अधिक मात्रा में खाते हैं तो हमारे पेट में गैस या सूजन जैसी समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, हमें कोई भी खाद्य पदार्थ हो सीमित और आवश्यक मात्रा में ही खाना चाहिए, जिससे हमारा फिटनेस और हेल्थ बना रहे, ताकि हमारे सेहत पे कोई नुकसान न पहुंचे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।